Hey everyone, welcome back to my channel. As you all know that we have completed full line-to-line explanation of our second poem of Flamingo book, which is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Now it's turn of short story type summary. So let's begin. इन दिस पोएम सबसे पहले जो हमारे ऑथर है स्टीफन स्पेंडर वो एक एलिमेंट्री कोई भी प्राइमरी स्कूल को विजिट करते हैं जो कि स्लम में है, बस्ती में है, और उसकी एक क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन करते हैं. जो ये हमारी होल पोएम है इस पर जो ऑथर ने कॉन्सेंट्रेट किया थीम्स पर वो कौन से हैं, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पोएम, ऑथर सबसे पहले ना क्लास के बच्चों की डिस्क्रिप्शन देते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के, कैसे कैसे बच्चे थे वहाँ पे. तो सबसे पहले ऑथर बोलते हैं कि जो वहाँ के बच्चे थे ना उनके फेस पर ना दूर दूर तक एनर्जी नहीं दिख रही थी, जिसे ऑथर ने गस्टी वेव स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ कंपेयर किया है. कि ऑथर बोलते हैं कि उनके फेसेस इतने ज़्यादा डल टाइप से लगते थे कि उस पर कोई भी एनर्जी नहीं दिख रही थी, और वो रूटलेस वीड्स की तरह लग रहे थे. रूटलेस वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जिसकी जड़ें नहीं है, मीन्स दिस शोज माल नरिशमेंट. और जो उनके बाल थे, हेयर थे, वो भी बिखरे पड़े थे अराउंड देयर पैलर. वर्ड यूज़ किया ऑथर ने पैलर, विच इज़ देयर पेल फेसेस. वही उनके फेसेस पेल थे, पीले पड़े हुए थे, डल थे, मीन्स बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी नहीं उनके फेस पर शो हो रही थी, और इतनी ज़्यादा वो अनटाइडी कंडीशन में थे, माल नरिश्ड थे. नेक्स्ट एक गर्ल को डिस्क्राइब करते हैं ऑथर. सबसे पहले कहते हैं एक टॉल गर्ल थी जो कि अपना वे डाउन हेड के साथ बैठी हुई थी, सर झुकाकर बैठी हुई थी. उस टॉल गर्ल ने सिर क्यों झुकाया हुआ था, क्योंकि वो बीमार थी और वो थकी हुई थी, इल एंड एग्जॉस्टेड, और पॉवर्टी के बर्डन के कारण भी उसने सिर झुकाया हुआ था. सेकेंड बच्चा है हमारा द पेपर सीमिंग बॉय. एक पेपर सीमिंग बॉय था, बिल्कुल पतला पेपर की तरह, स्किनी था इतना ज़्यादा, जिसकी आंखें रेड की तरह थी, मीन्स उसकी आंखों में ग्रीड छलक रहा था. ग्रीड किन की आंखों में होता है, जिनको कुछ मिलता नहीं, वो लालच थी उसकी आंखों में. और थर्ड बच्चा एक स्टंटेड हायर था. स्टंटेड यानी कि उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, वो काफ़ी शॉर्ट था, और उसकी बोन्स थी जो वो ट्विस्ट हुई पड़ी थी, उसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ा पड़ा था बॉडी का. और ये उसको मिली है डिसीज़ जिसे ग्रेनाल डिसीज़ बोलते हैं, ग्रेनाल डिसीज़, वो उसे मिली थी अपने फादर से. और वो बच्चा क्या कर रहा था, अपने लेसन को रिसाइट कर रहा था अपने डेस्क से. एक फोर्थ बच्चा था जो कि डिम क्लास के बिल्कुल बैक पर बैठा था, जो अननोटेड था, स्वीट था और यंग था. और वो बच्चा अपने खुद के ड्रीम्स में खोया हुआ था, उसको कोई फ़र्क नहीं था क्या हो रहा है क्लास में, मीन्स उसका ध्यान सारा अपने ड्रीम्स में था, जो कि वो स्क्वायरल गेम्स देख रहा था इन ट्री रूम. तो ये थी चार बच्चों की डिस्क्रिप्शन जो ऑथर ने हमें दी थी फर्स्ट पैराग्राफ में. सेकेंड पैराग्राफ में ऑथर हमें क्लास की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि क्लास की क्या हालत थी. तो सबसे पहले ऑथर वॉल्स को देखते हैं, कहते हैं जो वॉल्स का कलर था वो बिल्कुल क्रीम, सोर क्रीम हुआ पड़ा था, ऑफ वाइट कलर था, और उन पर डोनेशन लगी थी बहुत सारी. सबसे पहली डोनेशन थी शेक्सपियर का हेड, शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई थी, और एक सीनरी लगी हुई थी जहाँ पे डॉन होता है मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग, उसकी सीनरी शो हो रही थी जो कि क्लाउडलेस था, ठीक है. और थर्ड पोस्टर लगा हुआ था एक सिविलाइज्ड डोम का, वो डोम जो कि उसकी पूरी सिटी की ब्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा था. और साथ ही टायरलीज वैली की पिक्चर लगी हुई थी जो कि बहुत ब्यूटीफुल वैली होती है. और जो लास्ट है हमारा वो लगा हुआ था ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ था, हमारे जो वर्ल्ड का मैप है जो हम ग्लोब में देखते हैं ना वो लगा हुआ था. और वो मैप ऐसे लगा हुआ था ओपन हैंडेड का, मीन्स वो ऑफर कर रहा था उन बच्चों को, ये स्लम एरिया के बच्चों को अपना वर्ल्ड. अपना वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे दो वर्ल्ड्स हैं, फर्स्ट है एक स्लम वर्ल्ड एंड सेकेंड है एक पावरफुल वर्ल्ड, ठीक है, जो कि मैप में शो हो रहा था. और स्लम वर्ल्ड वो जो क्लासरूम था जिसमें, मीन्स जो वहाँ बच्चे बैठे हुए थे. तो इन दोनों वर्ल्ड्स में डिफरेंस क्या था, जो स्लम वर्ल्ड था वहाँ पे क्या था, पॉवर्टी थी, लैक ऑफ एजुकेशन था, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थी, माल नरिशमेंट थी, ठीक है, बिल्कुल एडवर्सिटी थी. और उसके इन कंट्रास्ट जो हमारा पावरफुल वर्ल्ड था वो क्या था, उसमें प्रॉस्पेरिटी थी, ब्यूटी थी, वेलबींग थी, एंड फुल ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है. तो इन दोनों वर्ल्ड को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, और ये ओपन हैंडेड मैप ऑफर करता है स्लम वर्ल्ड को अपना पावरफुल वर्ल्ड. बट ये चीज़ कभी पॉसिबल हो नहीं सकती, वो ट्राई कर रहा है उस वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड देने के लिए जो कि पॉसिबल ही नहीं है. ऑथर ने ये डोनेशन गिनवा दी कि ये लगा था. फिर वो बोलता है कि जो ये चिल्ड्रन है इनके लिए जो विंडो के बाहर जो दिख रहा है यही इनका वर्ल्ड है, बट मैप
जो मैप में दिख रहा है ये इनका वर्ल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो कंपैरिजन किया था, क्योंकि इनका वर्ल्ड कैसा है उसमें एडवर्सिटी है, बट जो मैप वाला वर्ल्ड है वो प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ था। तो तभी बोलते हैं ऑथर के ये बच्चों का वर्ल्ड वो वर्ल्ड मैप वाला वर्ल्ड नहीं है, वो वर्ल्ड है जो खिड़की के बाहर दिख रहा है और जहाँ पे इनका जो फ्यूचर है वो पेंट हुआ पड़ा है फॉग के साथ। दे आर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, मीन इनका जो फ्यूचर है, फॉग कैसी होती है, धुंधली होती है, तो इनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेड है, डार्क है। नेक्स्ट फिर ऑथर बोलते हैं कि जो इनकी नैरो स्ट्रीट्स है ना वो भी एक तरह से सील हुई पड़ी हैं लीड स्काई से, मीन्स स्काई भी इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है, इनकी इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा मिजरेबल है, और ये तो जो बच्चे हैं वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी दूर हैं किससे, रिवर से, केप्स से, मीन्स ब्यूटी ऑफ नेचर से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड से, मीन्स एजुकेशन से बहुत दूर हैं, मीन्स ये लोग हैं जो ये अपने खुद के यहाँ पे स्लम वर्ल्ड में इम्प्रेजन हो चुके हैं। देन ऑथर बोलता है कि जो शेक्सपियर है वो बहुत ही बुरा इंसान है। क्यों? क्योंकि जो शेक्सपियर है वो रॉयल चीज़ों के बारे में लिखता है, एक प्रोस्पेरस वर्ल्ड के बारे में लिखता है, जो कि ये बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे और ना उनसे कभी रिलेट कर पाएंगे, इसलिए इन बच्चों के लिए जो शेक्सपियर है वो एक बुरा इंसान है, एक एविल पर्सन है। और जो मैप है जिसमें इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी शेप्स हैं, सन है, लव है, ये इन बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सभी चीज़ें इन बच्चों को टैम्प्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि ये चोरी करें, स्टील करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। ऑथर बोलता है जो इनकी लाइफ है वो सीक्रेटली क्या हो गई है, टर्न हो चुकी है क्रैम्ड होल्स में, मीन्स श्रिंक्ड होल्स में, इनकी लाइफ मीन्स इतनी सी सिमट कर रह गई है, कितनी सी, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कि इनकी जो लाइफ है बस इतनी ही सी ही सिमट कर रह गई है। फॉग से शुरू होती है, मीन्स ऑफ कोर्स डार्कनेस से शुरू होती है और डार्कनेस पे ही एंड, वो भी डार्कनेस कैसी, इटर्नल एंडलेस नेवर एंडिंग डार्कनेस। फिर ऑथर उनकी बॉडीज़ को डिस्क्राइब करता है जिसमें उसने उनकी बॉडीज़ को कंपेयर किया है किसके साथ, एक स्लैग हीप के साथ, एक कूड़े के ढेर के साथ उनकी बॉडीज़ को कंपेयर किया है और बोला है कि ये बच्चे कुछ भी नहीं पहनते, स्किन्स ही हैं इनकी बॉडी पे, और उसमें से भी जो इनकी बोन्स है वो ऐसे नज़र आ रही होती हैं, मीन्स ये इतनी ज़्यादा स्किनी है, माल न्यूट्रिशन की वजह से इनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाती, इसकी वजह से ये इतनी स्किनी है कि इनकी बोन्स दिखती हैं स्किन से। और स्पेक्टेकल्स ये कौन सी पहनते हैं, स्टील की, जो कि इतनी ज़्यादा हैवी होती है, और इनके जो ग्लास होते हैं वो भी मेंडेड होते हैं, रिपेयर्ड होते हैं, जैसे कोई बॉटल बिट्स को स्टोन पर लगा दिया हो, ऐसी है इनकी स्पेक्टेकल्स। इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता आउटसाइड क्या चल रहा है वर्ल्ड के, बस जो भी है इनके लिए ये फॉगी स्लम ही सब कुछ है। सो ऑथर बोलते हैं, थोड़ा गुस्से से बोलते हैं कि सो प्लॉट देयर मैप्स, तो इनके प्लॉट कर दो, आई मीन्स मैप पर जो वो प्रॉस्पेरस वर्ल्ड वाला मैप था उस पर इनका भी प्लॉट करो, इनके भी स्लम्स को प्लॉट करो, मार्क कर दो एज बिग एज डूम, डूम होता है विनाश, कि इनके भी स्लम्स को फिर प्लॉट करो, मीन्स ये भी इन वर्ल्ड का हिस्सा है, चाहे अलग वर्ल्ड है तो इनका वर्ल्ड भी उस पर प्लॉट करो। ऑथर रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटीज से, वो बोलते हैं कि जब तक जो पीपल हैं गवर्नर जैसे, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, जो पीपल अथॉरिटी में है, जब तक वो कुछ नहीं करेंगे तब तक ये जो मैप है ये इनकी विंडो नहीं बन सकती, मीन्स ये उन बच्चों का वर्ल्ड नहीं बन सकता, और जो इनकी विंडोज़ है मीन्स जो इनका वर्ल्ड है वो इनके ऊपर ऐसे गिरा पड़ा है जैसे कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स होते हैं कब्रिस्तान की तरह होते हैं कैटाकॉम, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं जहाँ पे पीपल को, डेड पीपल को बरी किया जाता है। तो वही ऑथर बोलते हैं कि तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक अथॉरिटी में पड़े लोग इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। फिर ऑथर बोलते हैं ब्रेक को ब्रेक, तोड़ दो इनकी जंजीरें और आज़ाद कर दो इनको, इन बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाओ, ठीक है, इनके वर्ल्ड में रन योर ऑन गोल्ड सैंड्स, ये इनको बीचेस दिखाओ, जो ब्लू कलर है, डीप ब्लू कलर एज्योर, वो फ्रीडम को सिम्बलाइज करता है। तो ऑथर बोलते हैं इनको फ्री कर दो और दौड़ने दो गोल्ड सैंड्स पे, और दौड़ने दो इनकी टंग्स को बुक्स में, मीन्स इनको पढ़ने दो, दो चीज़ पे जहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं ऑथर, पहले तो फ्रीडम दो इनको पढ़ने के लिए, और इनको ब्यूटी ऑफ नेचर से इंट्रैक्ट करवाओ, नेचर की चीज़ें दिखाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, इनके लिए क्या था, सब कुछ इनका फॉगी स्लम ही था। लास्ट लाइन ऑथर बोलते हैं कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कहते हैं हिस्ट्री वही क्रिएट करता है जिसकी लैंग्वेज सन की होती है, मीन्स जिसमें सन जैसी एनर्जी होती है वही हिस्ट्री को क्रिएट करता है, जो सन की तरह तपना जानते हैं, हार्ड वर्क करना जानते हैं। तो विद दिस हमारी शॉर्ट स्टोरी टाइप समरी भी ओवर हो गई है,
कुछ नहीं था, इजी सी पोएम है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर हमें चार बच्चों की डिस्क्रिप्शन देते हैं, सेकंड पैराग्राफ में ऑथर हमें थोड़ा क्लासरूम की डिस्क्रिप्शन देते हैं, थर्ड पैराग्राफ में ऑथर ने सब कुछ बताया है, सेकंड को भी डिस्क्राइब किया और फर्स्ट को भी, और बोला है कि इनकी लाइफ देखो कैसी हो चुकी हैं। एंड लास्ट पैराग्राफ में ऑथर थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटी में लोगों से कि इनकी लाइफ्स को सुधारो और उनको फ्री कर दो, मीन्स इनके लिए कुछ करो। ठीक है, आई होप आपको ये पोइम ईजी लगेगी। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखना और स्टोरी टाइप समरी भी देखना, आगे जो और वीडियोस आएंगी सबको देखकर आपको ये पोइम इतनी ज़्यादा ईजी लगने लगेगी। बार बार तो मुझे पढ़ाते ही पढ़ाते ये पोइम इतनी ईजी लगने लगती है और रट जाती है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाती है। तो ऐसे ही जितनी बार आप भी इसको पढ़ोगे, अच्छी तरह से समझोगे, सुनोगे, उतना ही आपको ईजी होगा इसको लर्न करने में। जो इस पोइम की राइमिंग स्कीम है उसका शॉर्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, तो अगर आपको पता है कि राइमिंग स्कीम इसकी क्या हो सकती है तो मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताओ। ठीक है, जो राइट बताएगा, बिल्कुल सही बताएगा, उसको मैं हार्ट भी दूंगी और उसका कमेंट पिन भी किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।